This is the emergency broadcast system. इंडिया का सबसे महंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म दो दिन के लिए फ्री है और क्वालिटी कंटेंट इतने भरे पड़े हैं नेटफ्लिक्स पे कि समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। We show up in the party. इसलिए आज की लिस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब वेब सीरीज इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ एक से दो मिनट में जानेंगे क्या ये वेब सीरीज हमारे टाइप की है या नहीं और क्या हमारे फैमिली के साथ हम इसे देख सकते हैं नहीं। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 10 नेटफ्लिक्स हिंदी डब वेब सीरीज की लिस्ट है। देखो यार, टाइम बहुत कम है हम सबके पास और क्वालिटी कंटेंट भर भर के पड़ा है। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ट्रस्ट में आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 नेटफ्लिक्स हिंदी डब वेब सीरीज पार्ट 3। अगर आप जॉम्बी और मैडमैक्स का एक कॉकटेल देखना चाहते हो जिसमें भर भर के टीनेज ड्रामा हो तो आपके लिए दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ वन सीजन डेब्रेक। Is the future. सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और हमें रियल फील करवाती है। हाँ, द वॉकिंग डेड जैसी फीलिंग आपको नहीं देगी। डेब्रेक में एक ऐसा आउटब्रेक होता है जिसमें सिर्फ यंगस्टर हेल्दी और जिंदा बचे हैं, बाकी सब जॉम्बी बन चुके हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसके मैडमैक्स वाला टच। मुझे पर्सनली जॉम्बी वाला पार्ट इतना पसंद नहीं है, जॉम्बी का पार्ट था ही नहीं ज्यादा, लेकिन जो मैडमैक्स की तरह वेपन्स, एक्शन सीन्स, मेकअप, वो सीरियसली बहुत अच्छा था। नेगेटिव की अगर बात करें, अगर आप अपनी टीनेज क्रॉस कर चुके हो तो आपके लिए कई सारे मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा खींचे हुए और चीजी लगेंगे, जिस वजह से इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट कुछ एपिसोड्स तो इतने ज्यादा खींच दिए गए वो साफ समझ में आता है और फिर आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगते हो। लेकिन ह्यूमन एरर, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, एक बड़े बजट की टीनेज ड्रामा जिसमें आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। 10 एपिसोड्स, 45 मिनट्स ईच, इस सीरीज की डबिंग बहुत ही अच्छी है। सीरीज के अंदर कई जगहों पर ब्रुटैलिटी, वॉयलेंस, ऑफेंसिव लैंग्वेज और सेक्सुअल एडल्ट कंटेंट भी है और उसे हिंदी के अंदर गाली को गाली की तरह ही डब किया गया है। और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम इनकी खासियत ही है, ये अपने हिंदी डबिंग में कोई बॉलीवुड का रेफरेंस या फिर रीजनल फेक एक्सेंट यूज नहीं करते। नंबर 9 की सीरीज मेरे लिए सरप्राइज थी बहुत बड़ा। एकदम सिंपल और घी से पीटे कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने इसे कई महीने इग्नोर किया, लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद इसकी सिंपलिसिटी ने मुझे हुक कर लिया। 2020 की कॉमेडी से भरी हुई टीनेज ड्रामा, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ टीनेज बाउंटी हंटर। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इन दोनों सिस्टर्स स्टर्लिंग और ब्लेयर की एक्टिंग। शुरुआत के 5 मिनट में जब वो एडल्ट सीन आया तो मैं समझ गया कि ये नेटफ्लिक्स फिर से वही पैतरा आजमाएगा। इन एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक है, एक पॉइंट पे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई एक्टिंग कर रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था दो टीनेज लड़कियां जिनकी नॉर्मल लाइफ अतरंगी होने जा रही है और उनकी कॉमेडी से मुझे बड़ा मजा आ रहा था। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, वो भी अगर मैं आपको बता दूं तो पूरा स्पॉइलर हो जाएगा, हो सके तो ट्रेलर बिल्कुल मत देखना। उसके अलावा इस सीरीज के अंदर कोई बड़ा ह्यूज सरप्राइज नहीं है, जो इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन अगर आपको बिंज वॉच कुछ करना है जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, थोड़ा एंटरटेन करे, थोड़ा हंसाए और आपको थोड़ा हल्का फुल्का लाइट फील कराए, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। वन सीजन, 10 एपिसोड्स, 40 से 50 मिनट्स ईच एपिसोड। कई जगहों पर थोड़े खींचे हुए जरूर लगेंगे, लेकिन इस सीरीज का 18+ होना, कई जगहों पर बोल्ड और बिंदास सीन और सेक्स को लेकर टीनेज टाइम में जो बदलाव आते हैं, एड्रेनलिन रश करने वाले अतरंगी काम करने का नशा, इन शॉर्ट 18+ ये सीरीज टीनेज टाइम के कुछ लेसन सिखाएगी और अगर आप टीनेजर हो तो इन कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम आपको अपनी प्रॉब्लम लगने लगेगी। टीनेज कॉमेडी ड्रामा में नेटफ्लिक्स को एक फॉर्मूला मिल चुका है। टीनेजर्स को अपने कॉलेज की आम जिंदगी स्क्रीन पे देखना बहुत पसंद है। इस लिस्ट की एक और टीनेज कॉमेडी ड्रामा, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ, नेवर हैव आई एवर। एक टीनेजर फीमेल के लाइफ में छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परियों वाली कहानी इसमें नहीं है। आम जिंदगी में मिडिल क्लास टीनेजर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, एक प्रॉब्लम से भागते हुए 10 और प्रॉब्लम, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से किया है। 10 एपिसोड्स, 30 मिनट्स ईच, कहीं मुझे कोई बड़ा एडल्ट सीन नहीं दिखाई दिया, बस आम जिंदगी में जो नॉर्मल सेक्स टॉक्स होते हैं, कुछ एफ वर्ड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपको इमोशनल लेवल पर हिट करेगी, इतनी ताकत ये सीरीज रखती है। नंबर 7 की सीरीज सभी के लिए नहीं है, इसलिए ध्यान से इसके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव सुनना। दो सीजन्स के साथ क्राइम कॉमेडी डेड टू मी। सीरीज पूरी तरह एक्टिंग के दम पे चल रही है, ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जूडी बहुत ही जल्दी और वियर्ड है और जेन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम से काम रखती है। इनमें से एक बहुत सारी मुसीबत दूसरे की लाइफ में लेके आने वाला है। दोनों की पर्सनैलिटी टोटल अपोजिट, दोस्ती दुश्मन है और दुश्मनी दोस्त है। ट्विस्ट और टर्न से भरी ये सीरीज है, लेकिन 2 सीजन्स, 10
10 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच, मैंने इसके स्टार्टिंग के 8 एपिसोड्स देखे, उसी को ध्यान रखते हुए कहूंगा बहुत ज्यादा रोना धोना है भाई। उसे आसानी से एडिट किया जा सकता था, बट कैरेक्टर्स की एक्टिंग और हिंदी डबिंग ने मुझे बांध के रखा। अगर आपको क्राइम कॉमेडी और अजीबोगरीब कैरेक्टर्स और बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए। सीरीज पूरी तरह 18 प्लस है, कई सारे एडल्ट सीन्स और ऑफेंसिव लैंग्वेज है। कुछ सीरीज इतनी बोल्ड और सेक्सुअली डिस्टर्बिंग हो जाती है, अपनी सारी हदों को पार कर देती है वो, इसके पहले कि ओटीटी पर भी सेंसरशिप आ जाए। आउटस्टैंडिंग बोल्ड हिंदी डब 18 प्लस वेब सीरीज को आप सबसे पहले देख लो। दो पॉजिटिव 7 सीजन के साथ ड्रामा कॉमेडी द ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है सीरीज का रियल होना। एक प्रिजन की टफनेस आम लड़की की कैसी जिंदगी बदल देता है। इस फीमेल जेल में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स, सभी कैदी पेपर को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। अगर आप दिमाग से 18 प्लस नहीं हो तो कई पॉइंट पर आप रुक जाओगे सीरीज में, आप आगे देख ही नहीं पाओगे, और यही बोल्ड नेचर सीरीज को सबसे यूनिक बनाता है। ऑफेंसिव लैंग्वेज होने के बावजूद इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छी की है, बस वो 1 आवर लंबे एपिसोड्स बहुत ज्यादा लगते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 एपिसोड के बाद ब्रेक जरूर लेना, नहीं तो दिमाग पर बहुत ज्यादा हैवी फील होगी ये सीरीज। और फैमिली के साथ देखने की तो सोचना भी मत इस सीरीज को। सीरीज के टोटल 7 सीजन में से फर्स्ट सीजन ही हिंदी में डब किया है और मैंने वही देखा और उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। नंबर 5 की सीरीज ने तबाही मचा दी है यूएसए में। ईबे के ऊपर अमेरिका में 250% का ग्रोथ आया सेल में इस सीरीज को देखकर चेस गेम खरीदने के लिए। इसे कहते हैं किसी सीरीज की अचीवमेंट और उसका इम्पैक्ट। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की क्वींस गैम्बिट। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी हाई लेवल की सिनेमेटोग्राफी। आप फर्स्ट एपिसोड से ही समझ जाते हो कुछ हिस्टोरिक और बड़ा होने वाला है। एनिया टेलर जॉय की एक्टिंग, ओ भाई साहब, हिप्नोटाइज हो जाओगे। कैरेक्टर रियल है या नहीं इसे आप गूगल पे सर्च करने आओगे, और वहीं पर ये सीरीज बाजी मार लेती है। बचपन से चेस के पीछे पागल ये लड़की क्या दुनिया की टॉप प्लेयर बन पाती है, या फिर इसका ये पैशन ही इसे ले डूबता है। कुछ भी बोलो, सीरीज बहुत ही पावरफुल है। बस कई सीन्स कैरेक्टर की डेप्थ में जाते हैं जिससे 1 आवर लंबा एपिसोड मुझे थोड़ा फील होने लग रहा था, लेकिन अगर आप कोई हाई लेवल का कंटेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये आपके लिए। नेटफ्लिक्स ने सीरीज को 18 प्लस क्लेम किया है। पूरी सीरीज में सिर्फ 2 जगहों पर सेक्सुअल सीन्स है और उसके अलावा तो मुझे कुछ एडल्ट नहीं लगा। अगर आपको अपने कंटेंट देखने के लेवल को एक लेवल ऊपर ले जाना है तो नंबर 4 की क्राइम थ्रिलर खत्म होने के बाद आपके दिमाग में शुरू होगी। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड 1 सीजन अनबिलीवेबल। सीरीज का सबसे शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात है इसका ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होना। मेरा बस चलता तो नंबर 1 पे रखता इसे मैं। ये सीरीज वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन में भी हमने मेंशन की थी कि सीरीज में इतनी ताकत है आपके दिमाग पे वार करती है। 18 प्लस सिर्फ शरीर से नहीं लेकिन दिमाग से भी होना जरूरी है इसके लिए। 10 एपिसोड्स 30 मिनट्स ईच, एक ऐसे रेपिस्ट को पकड़ने की भागदौड़ जो कई सालों से अलग अलग एज के फीमेल्स का रेप कर रहा है। इसके अलावा एक केस बहुत ही उलझा हुआ भी साफ दिखाई देता है, रेप हुआ है, कभी डाउट आता है झूठ बोल रही है। अरे भाई साहब, मतलब स्क्रीन प्ले इतना टाइट है आपके होश उड़ जाएंगे, लिटरली घुस जाओगे आप इसके अंदर। विक्टिम्स की सफरिंग, डिटेक्टिव्स का मेंटल स्टेट बहुत ही बारीकी से और आउटस्टैंडिंग तरीके से दिखा है। एक बार कोई मूवी या वेब सीरीज चैनल पर रेकमेंड करने के बाद मैं बार बार रिपीट नहीं करता, लेकिन ऐसे क्वालिटी कंटेंट सीरीज को मैं हर बार 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 रेकमेंड करना चाहूंगा। टॉप 3 वेब सीरीज से पहले अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई इस वीडियो पर तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। हॉरर थ्रिलर के बिना ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। अनगिनत पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। 1 सीजन के साथ द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। सबसे पहला पॉइंट है सीरीज के टेक्निकल एस्पेक्ट। छोटी छोटी टेक्निकल चीज जैसे कि कैमरा वर्क, सेट डिजाइनिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब एक साथ इतने सिंक में काम करते हैं, डर के साथ आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है। और 1 आवर लंबे एपिसोड्स अगर आपको 20-30 मिनट जितने लंबे लगने लगे तो हॉरर सीरीज तो आधी वहीं जीत गई। इसके बाद कार्ला गुगिनो की एक्टिंग, जिसे हमने जेराल्ड्स गेम में आउटस्टैंडिंग एक्टिंग करते हुए देखा था। मतलब अभी तक स्क्रीन पर कुछ सुपर नेचुरल भूत का हुआ भी नहीं है, बस इनके डायलॉग्स और फेशियल एक्सप्रेशन में ही वो खौफ पैदा होता है। में 2 टाइमलाइन चल रही है, पास्ट और प्रेजेंट की, और प्रेजेंट के कैरेक्टर्स को पास्ट का फ्लैशबैक आ रहा है और वो कहां आकर इनसे जुड़ती है, कनेक्ट होती है, और उसके बाद जो सुपरनैचुरल सुपर पावर का तांडव शुरू होता है। एक हिल हाउस बड़े बंगले में बहुत सी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही है जिनका लेवल बढ़ते जा रहा है। सीरीज का बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो मैंने अगर आपको बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं आप पे छोड़ देता हूं। सीरीज 18 प्लस है, सेक्सुअल सीन्स तो इतने ज्यादा नहीं, लेकिन डिस्टर्बिंग और डरावने सीन्स के लिए मेंटली 18 प्लस जरूरी है। नंबर 2 की सीरीज ने क्राइम थ्रिलर को देखने का नजरिया बदल दिया। कितनी सारी वेब सीरीज ने उसमें से इंस्पिरेशन लिया, सेक्रेट गेम्स उसमें से एक है। 3 सीजन्स के साथ नार्कोस।
तीनों में से फर्स्ट सीजन हिंदी में अवेलेबल है, जो दुनिया के नंबर वन क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के लाइफ पे बनी है। मानो या ना मानो, लेकिन हमें एंटी हीरो धीरे धीरे पसंद आने लगा है। वैगनर मौर्या ने निचोड़ के पी लिया है पाब्लो एस्कोबार के कैरेक्टर को। इसमें अब तक जितने भी मूवी वेब सीरीज बने हैं पाब्लो एस्कोबार पे, सबसे बेस्ट है ये। ड्रग्स, पैसा, न्यूडिटी, सेक्स कूट कूट के भरा है सीरीज में। जीरो से हीरो और फिर हीरो से विलन बनने की ये जर्नी फुल ऑन एक्शन और एकदम राउडी की तरह नॉन स्टॉप चलती है। 50 मिनट्स ईच एपिसोड है और फुल ऑन कॉन्ट्रोवर्सी से भरी है। गेम ऑफ थ्रोन्स को अगर कोई सीरीज टक्कर दे सकती है तो वो है एक्शन फ्रिक्शन नंबर वन पे 6 सीजन के साथ वाइकिंग्स। 10 से 20 एपिसोड हर एक सीजन और 6 के 6 सीजन हिंदी में डब किए गए हैं। उससे आप अंदाजा लगा लो क्या व्हाट है इस वेब सीरीज का। KGF पार्ट 2 के अधीरा कैरेक्टर का लुक इस सीरीज से इंस्पायर्ड है। मेकअप, सेट डिजाइनिंग, एक्टर्स की एक्टिंग, इसकी सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी आपको अपनी दुनिया भुलाकर सीधे इनकी दुनिया में ले जाएगी। रैग्नर, जो कि मेन लीड फैमिली वैल्यूज वाला कैरेक्टर, ये अपनी जर्नी पे निकला है बड़ा बदलाव लाने के लिए। अब इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी वो स्लो मोशन एक्शन सीन्स आपको सेलिब्रेट करने पे मजबूर करेगी रैग्नर कैरेक्टर को। अगर आपको ये सीरीज कनेक्ट हो गई तो आपके कई हफ्ते निकल जाएंगे इसमें, इसलिए सारे काम खत्म करके इसे शुरू करना। और YouTube का कहना, इनने सारे वीडियोस देखे लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप अपना टाइम वेस्ट क्वालिटी कंटेंट को ढूंढने में नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और नेटफ्लिक्स की सभी हिंदी डब मूवीज एंड वेब सीरीज की लिस्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।